डेविड हॉगिंस कहते हैं कि इस समय दुनिया का चेतना स्तर 210 के आसपास है और दुनिया में 85% लोगों की कॉन्शियसनेस 200 से नीचे है। मतलब लोग ऐसी मानसिक अवस्था में हैं कि अगर दिशा ना दी जाए तो लोग खुद को और पृथ्वी को नष्ट कर लें। इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसे चाहे तो इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन 200 से नीचे हम इंसान अनजान और कमजोर बने रहते हैं। मनुष्य को विनाश से बचाते हैं और सामाजिक चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं वो लोग जिनका स्तर 300 से ऊपर है। जैसे एक इंसान जो 700 पर है वो 7 करोड़ लोगों को काउंटर बैलेंस करता है जो 200 से कम पर है। 500 के एनर्जी फील्ड वाले 7 लाख और 300 के एनर्जी फील्ड वाले 90,000 लोगों को काउंटर बैलेंस करते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कोई स्तर बड़ा या छोटा नहीं है, ये लेवल्स थर्मोमीटर के जैसे हैं। 0 डिग्री के नीचे पानी बर्फ है और 100 डिग्री के ऊपर पानी भाप है, लेकिन है तो पानी यानी H2O ही। वैसे ही चेतना तो चेतना है, 0 या 100 अच्छा या बुरा नहीं है, ये केवल मार्किंग्स हैं। जो आदर्श पुरुष 600 से ऊपर निकल जाते हैं उनके लिए तो सब एक है। सवाल है कि हमको कैसे पता चले कि हम कौन से स्तर पर हैं। हमारी चेतना 3 या 4 स्तर के बीच में झूलती रहती है और इंसान बहुत सारे इमोशंस महसूस करता है, लेकिन ध्यान दीजिए जब हम प्रेशर में होते हैं तब हम अधिकतर कैसा बर्ताव करते हैं। क्या हम चिल्लाने लगते हैं, क्या हम डिफेंसिव हो जाते हैं, क्या हम डर जाते हैं, या हम दृढ़ निश्चय करते हैं। इस रिएक्शन से पता चलता है कि हम अक्सर किस लेवल पर रहते हैं। हम लोग ऊपर कैसे उठेंगे, इंटेंशन ऑफ नॉन जजमेंट। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि अगर आप बिना जजमेंट के किसी भी चीज़ को प्रेम से देखो यानी अवेयर मात्र रहो तो उसका एनर्जी फील्ड बढ़ता है। इसी प्रकार अगर आप अपने इमोशंस, विचार और एक्शन के प्रति अवेयर रहो तो उनका लेवल अपने आप बढ़ता है। इसलिए मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस खुद को समझने का टूल है। जब आपको पता चलता है कि आप अधिकतर किस एनर्जी फील्ड में हो तो आप अपने आप आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ने के लिए दूसरा पॉइंट है परसिस्टेंस। जो इंसान अपनी चेतना का स्तर उठाने की कोशिश नहीं करता वो पूरा जीवन उसी स्तर पर रहता है। हमको ये समझना होगा कि एक लेवल भी आगे बढ़ने से जीवन में भारी बदलाव आता है जिसके लिए इंसान को सतत प्रयास करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सरेंडर या विनम्रता। अगले लेवल पर जाने से पहले इंसान का अहंकार कुछ मात्रा में टूटता है। वो महसूस करता है कि मुझे नहीं आता, मुझे मदद की ज़रूरत है। जितना इंसान का अहंकार टूटता है वो उतना आगे बढ़ता है। इसलिए इंसान की चेतना जितना ऊपर उठती है वो उतना विनम्र होते जाते हैं।